हेलो डियर व्यूअर्स, दिस इज द वीडियो फॉर द शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एज वी नो देयर वर 8 शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन स्टार्टिंग एंड एट प्रेजेंट देयर आर 12 शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो दीज आर हेयर, वी विल लर्न दिस थ्रू अ ट्रिक, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ओके, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टी फॉर क्या है, टेरिटरीज याद रखना है। ई फॉर एमोल्यूमेंट्स। ए फॉर है अफर्मेशन और ओथ, यू नो अफर्मेशन एंड ओथ। एंड आर राज्यसभा। एंड एस अदर शेड्यूल एरियाज। ओ अदर शेड्यूल एरियाज। एफ फेडरल प्रोविजंस। एंड ओ ऑफिशियल लैंग्वेज। एल लैंड रिफॉर्म्स। डी डिफेक्शन ऑफ एम पीज एंड एम एल ए। एंड पी फॉर पंचायत एंड एम फॉर म्यूनसिपलिटीज़। इसको वन बाय वन देख लेते हैं, हिंदी में भी बता देता हूँ। टेरिटरीज क्या हैं, राजक्षेत्र। ई मॉन्यूमेंट्स, वेतन और भत्ते। अफर्मेशन और ओथ का मतलब होता है शपथ और प्रतिज्ञान। आर फॉर राज्यसभा। और अदर शेड्यूल एरियाज, अदर शेड्यूल एरियाज में कौन कौन से आते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये याद रखना है, इसको ट्रिक से याद रखें। ATM और ATM में मनी। ATM असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। उसके बाद देखिए एफ फेडरल प्रोविजंस। फेडरल प्रोविजन में क्या है, संघ, राज्य और संवर्ती सूची। जैसे संघ में यूनियन, मतलब संघ को क्या बोलेंगे, यूनियन। स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट, आपको पता होगी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट। तो वो फेडरल प्रोविजंस है, वो कौन से शेड्यूल में दिया हुआ है याद रखना है। 7 नेक्स्ट। ओ फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज, तो टोटल ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है, 22। और कौन से आर्टिकल में जिक्र है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। एल लैंड रिफॉर्म, जो एल है यहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स है। डी फॉर है डिफेक्शन ऑफ एमपीज एमएलए, यानी कि इनको यहाँ से हटाना है, एमपी और एमएलएस को। और पी फॉर है पंचायत, ठीक है, पंचायत। और एम फॉर है म्यूनसिपलिटीज़। तो ये हो गई ट्रिक शेड्यूल्स की। आई होप ये ट्रिक ईजी लगी होगी आपको और याद भी हो जाएगी ईजिली। तो उसको एक दो बार लिख के देखिएगा, सब लिख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट देखिए, अब हम लोगों ने जो जैसे DPSP है तो किस देश से लिया हुआ है, ठीक है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट किस देश से लिया हुआ है। तो उसके लिए कैसे ट्रिक याद रखेंगे, एलिस DP इज नंबर 1, ठीक है। ये आयरलैंड यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान रखेंगे, आयरलैंड से लिए। तो एली का मतलब है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, DP का मतलब है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और नंबर का मतलब है नॉमिनेशन ऑफ मेंबर और टू राज्यसभा। तो ये सब कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से। इलीज डीपी इज नंबर 1, ठीक है। या आप ऐसे याद रख सकते हैं, प्रेसिडेंट्स डीपी इज नंबर 1, जैसे आपको सिंपल लगे। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट देखिए, यूके से हमने क्या क्या लिया है। यूके मीन्स यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, नॉट उत्तराखंड। तो पार्ले बिस्किट, तो पार्ले बिस्किट तो सभी ने खाया होगा, याद भी होगी ट्रिक। इसके लिए क्या रखें, PA का मतलब है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। आर यानी PA, ध्यान रखेंगे, ये यहाँ लिखा हुआ है। आर है रूल्स ऑफ लॉ। उसके बाद LE का मतलब लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स क्या होंगे। बाई का मतलब बाई कैमरल, तो बाई कैमरल कितनी स्टेट्स में है, कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। इसके लिए भी एक ट्रिक है, तो लिखेंगे आप, अगर नहीं समझेगा तो मैं कमेंट बॉक्स में लिखूंगा। इसकी भी ट्रिक है बाई कैमरल याद करने के लिए कि कहाँ कहाँ बाई कैमरल है। और SI क्या है, जो बिस्किट हो गया, बी और ये स्किट, तो क्या होगा, सिंगल सिटीजनशिप याद रखना है ट्रिक के माध्यम से, एस फॉर सिंगल सिटीजनशिप। नेक्स्ट देखिए, USA से हम लोगों ने क्या लिख रखा है, तो सभी ने फिश तो पिया ही होगा, तो उसकी स्पेलिंग कुछ और है बट याद रख सकते हैं। तो फिश USA, ध्यान रखेंगे, USA में अमेरिका, USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। फंडामेंटल राइट्स, F फॉर फंडामेंटल राइट्स हो गया। I फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट के ऊपर जो महाभियोग लगाया जाता है। और देन है जुडिशियल रिव्यू। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमने कनाडा से क्या क्लियर रखा है, कनाडा से कैन आई नो फैट्स एड्रेस, कि क्या मैं फैट का एड्रेस जान सकता हूँ। तो फेडरेशन यानी एफ से हो गया फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। एड का मतलब क्या हो जाएगा, एड में एडवाइजरी जुडिशरी ऑफ SC मतलब सुप्रीम कोर्ट। और RS का मतलब है रेजिड्यू पावर्स ऑफ द सेंटर। तो आपको पता होगा कि लिस्ट 3 होती हैं, यूनियन, स्टेट और उसके बाद कंकरेंट लिस्ट। तो जो रेजिड्यू पावर होती हैं, जो रेजिड्यू पावर मतलब कुछ ऐसी जैसे समय जाते हुए कुछ, देखिए हम लोग बात कर रहे थे कि रेजिड्यू पावर्स ऑफ दी
सेंटर। तो रेजिड्यू पावर का मतलब होती है जो अपशिष्ट विषय हो जाते हैं उनपे जो अब पावर होती है वो किसके पास होती है, सेंट्रल के पास होती है। जैसे यूनियन है, स्टेट है, तो इस यूनियन के पास हो, स्टेट के पास, कंकर्न लिस्ट में क्या होता है, दोनों के पास पावर होती है। ठीक है, इसमें टोटल सब्जेक्ट कितने हैं, इसमें कितने सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट जितने भी हैं अपने कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। ठीक है, यूनियन लिस्ट में कितने हैं, स्टेट में कितने हैं और कंकर्न लिस्ट में कितने हैं। और रेजिड्यू मैंने बताया कि रेजिड्यू सब्जेक्ट जो मतलब समय आते हुए चेंजेस आ रहे हैं तो सब्जेक्ट ऐड होते जा रहे हैं, तो जो रेजिड्यू सब्जेक्ट हो जाएंगे वो किसके पास पावर होगी, सेंटर के पास। तो आई होप सभी को ये ट्रिक्स अच्छी लगी होंगी। ट्रिक अगर पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।